आप सभी को मानसिंह जी, आप सभी को ये अत्यंत खुशी होगी कि आज कम से कम हमने 150 परिवारों को यहीं पे अपने 116 परिवारों को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट मंशा है अंतिम व्यक्ति को सरकार उसके दरवाजे पे जाके सहायता दे, उसके काम करे। आज उसी भावनाओं के अनुरूप माननीय उमेश जी, यादव जी, रामसेवक जी ऊपर आ जाए, माटू यादव जी थे, आप सब लोग विश्वास रखें। हमले पे होती थी, मुझे लगा कि इस जनसुनवाई में लोगों को पहुंचने में 10 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब हम लोगों ने तय किया कि जनसुनवाई हर जोन क्षेत्रीय कार्यालय पे होगी और क्षेत्रीय कार्यालय के बाद ये जन तमाम साथी खड़े हैं, आप सारे साथियों की भावनाओं के अनुरूप ये काम जमीन पे होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और आज भी हमें लगभग 150 परिवारों को किया। मैं एसडीएम साहब से, एमपीवी की टीम, सारी टीमों को कहूंगा जितने आज आवेदन आए हैं वो सूचीबद्ध किए जाए और सूचीबद्ध करके अब जब अगली जनसुनवाई होगी उसमें उनका वितरण होगा। क्या होगा? वितरण होगा। जनरल जी, अच्छा सा कहा आपने बात, ठीक से बोली बात क्या नहीं बोली, खुश हैं आप के नहीं? गोपी जी कह रहे हैं कि नहीं, हमारा जावेद खड़ा है। मैं सभी पार्षदों को, पूर्व पार्षद सभी को ये धन्यवाद करता हूं कि आप सबकी मेहनत और तपस्या के कारण गली कूचे में आप घूमते हैं उसके कारण, पर अगली जो जनसुनवाई होगी क्षेत्रीय कार्यालय 5 में, तो मेरा निवेदन है कि और नीचे तक लोगों को खबर होनी चाहिए, इससे लोग और आ सके। आज और अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि अभी श्रीमंत सिंधिया जी आज शाम को यहाँ आएंगे नमटापुरा, तो पूरी टीम को लगाकर के स्वागत की व्यवस्था और नमटापुरा जो ऐतिहासिक पुल को देखने आएंगे वो एलिवेटेड रोड को, और जो लोग